गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्पार्टन बायोलॉजी। और जैसे कि हमने गए वीडियो में डिस्कस किया था एबायोटिक फैक्टर्स के बारे में और यूरिथर्मल जो है ऑर्गेनिज्म है उनके बारे में स्टडी किया था, तो आज हम डिस्कस करेंगे पॉइंट नंबर टू। इसका जो टॉपिक है मेजर एबायोटिक फैक्टर्स का वह आपका वाटर। तो वाटर के बारे में डिस्कस करते हैं कि वाटर किस तरह से इफेक्ट डालता है एक पॉपुलेशन के ऊपर, एक ऑर्गेनिज्म के डेवलपमेंट के ऊपर। ठीक है, जल्दी जो वाटर है, वाटर की आवश्यकता क्यों होती है, इज ऑरिजिनेटेड इन वाटर एंड अनसस्टेनेबल विदाउट वाटर। ठीक है, तो पहली बात हमें समझ में आई कि लाइफ का ओरिजिन कहां से हुआ है, वाटर के अंदर हुआ, और कोई भी ऑर्गेनिज्म जो वाटर के बिना रह नहीं सकता, अनसस्टेनेबल होता है। नंबर सेकंड पॉइंट यदि हम बात करें तो वाटर और किस लिए आवश्यक है, तो प्रोडक्टिविटी यानी प्लांट्स की प्रोडक्टिविटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स डिपेंडेंट ऑफ वाटर, यानी प्रोडक्टिविटी और डिस्ट्रीब्यूशन है प्लांट्स का वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, हैविली डिपेंडेंट ऑन वाटर। आपने देखा होगा जो भी आपके डार्क फॉरेस्ट है, जो काफी घने जंगल है, डेंस फॉरेस्ट, वहां पर प्रोडक्टिविटी और डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, प्लांट्स का किस वजह से होता है, क्योंकि वहां पर की वाटर की जो अवेलेबिलिटी है, ठीक है, स्कार्सिटी नहीं पाई जाती, वाटर बहुत ज्यादा पाया जाता है, इसलिए वहां पर डेंस फॉरेस्ट का डेवलपमेंट होता है। नंबर थर्ड यदि हम बात करते हैं, जो जितने भी आपके एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स ये क्या करेंगे, पीएच क्वालिटी ऑफ पीएच ऑफ वाटर, ठीक है, तो वो जो वाटर की क्वालिटी है उसके बेस पर वो सर्वाइव कर पाते हैं एक्वेटिक जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं सैलिनिटी या सॉल्ट कंसेंट्रेशन, सैलिनिटी और इसी को बोलते हैं सॉल्ट कंसेंट्रेशन, ठीक है, और इसको किस यूनिट के अंदर मेजर किया जाता है, हम देखें तो पार्ट्स पर थाउजेंड इसकी यूनिट होती है, इसको मेजर करने के लिए इसको बोलते हैं पीपीटी, ठीक है, पीपीटी में इसको काउंट किया जाता है, मेजर किया जाता है सैनिटी या सॉल्ट कंसेंट्रेशन को। तो जल्दी तीन तरह के अपर हम वाटर के जो इनलैंड वाटर जिसकी की सैलिनिटी होती है 5 से कम यानी less than 5, ठीक है, तो वहां पर ये जैसे लेक हो गया, रिवर हो गया, तो वहां ये सब इनलैंड वाटर के अंदर आते हैं जो कि मीठे पानी, जहां पर मीठा पानी पाया जाता है, तो इनलैंड वाटर के अंदर सैलिनिटी होती है less than 5 होती है। जबकि दूसरे हम बात करें सीज के अंदर, जो सी वाटर है, सी वाटर के अंदर आपके पीएच वगैरह होती है, सैलिनिटी जो कंसेंट्रेशन होती है साल्ट की, वो आपकी 30 से 35 के बीच में होती है, 32-35, ठीक है। एंड लास्ट वन इज, ये फर्स्ट हो गया आपका इनलैंड वाटर, सेकेंड आपका सी वाटर, और हाइपर जो आपके जैसे डेजर्ट्स जहां एरिया है, ठीक है, इसको बोलते हैं हाइपर सैलाइन लैगून्स, इनको क्या बोलते हैं, हाइपर सैलाइन लैगून्स। और इनकी जो आपकी पीपीटी होती है वो कितनी होती है, मोर देन 100 से भी ज्यादा इनकी सॉल्ट कंसेंट्रेशन पाई जाती है, इसलिए यहां को टॉलरेट कर सकते हैं। किस तरह के ऑर्गेनिज्म होंगे जो कि आपकी नैरो सैलिनिटी कंसेंट्रेशन को टॉलरेट कर सकते हैं, तो उसके बेस पर सैलिनिटी टॉलरेशन के बेस पर ऑर्गेनिज्म्स को टू कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया गया है। कौन कौन से ऑर्गेनिज्म्स होते हैं देख लेते हैं। नंबर फर्स्ट इसको बोलते हैं यूरी हैलाइन ऑर्गेनिज्म्स कैन
tolerate wide range of salinity. ये आपके वाइड रेंज है, काफी ज्यादा जो सैलिनिटी होती है मोर देन 100 से ज्यादा 100 से ज्यादा, उसकी सैलिनिटी को आप क्या कर सकते हैं, टोलरेट कर सकते हैं, ठीक है। नंबर सेकेंड बी, इसको नाम दिया जाता है स्टेनो हेलाइन। जो स्टेनो हेलाइन आपके ऑर्गन्स होते हैं ये जनरली कैन नॉट टॉलरेट वाइड रेंज ऑफ सैलिनिटी। ये किस रेंज में, वाइड रेंज में टॉलरेट नहीं कर सकते, ओनली नैरो रेंज के अंदर इफेक्टिव होते हैं, नैरो रेंज को आप ये टॉलरेट कर सकते हैं। यदि आपका 100 से ज्यादा पीपीटी में सैलिनिटी का जो साल्ट कंसेंट्रेशन ज्यादा होता है तो ये सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, इनके लिए बड़ा मुश्किल होता है, इसलिए दायरे के अंदर यानी नैरो रेंज के अंदर ये क्या करेंगे, सर्वाइव कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने डिस्कस किया है वाटर के बारे में। अब हम बात करते हैं थर्ड फैक्टर की, और उस फैक्टर का नाम दिया जाता है लाइट, ठीक है। तो लाइट क्या होता है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस एज यू नो वेरी वेल, ठीक है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस सभी जानते हैं, ठीक है। फोटोसिंथेसिस मीन्स सनलाइट की प्रेजेंस में फूड का प्रिपरेशन, ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ठीक है। सनलाइट की प्रेजेंस में जो ऑक्सीजन होते हैं या प्लांट्स होते हैं वो आपके क्या करते हैं, फूड का प्रिपरेशन करते हैं, और ये ऑटोट्रॉफिक होते हैं। उसके बाद में हम बात कर रहे हैं, तो जनरली जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स डिपेंड्स ऑन सनलाइट फॉर कौन सी प्रोसेस के लिए, फ्लावरिंग के लिए। प्लांट्स के अंदर जो फ्लावरिंग होती है वो आपके लाइट की प्रेजेंस में यानी लाइट के ड्यूरेशन में किस तरह की उनके लाइट की आवश्यकता पड़ेगी, तो जल्दी आपके एचडीपी और एलडीपी दो तरह के प्लांट्स आपने पढ़े हैं, एचडीपी एंड एलडीपी और एलडीपी, ठीक है। उसके बाद में हम डिस्कस करते हैं आगे कि जितने भी आपके हब्स ऑफ श्रब्स, कौन कौन से प्लांट्स, हब्स एंड श्रब्स, जैसे कि आपको स्लाइड्स में नजर आ रहा है जहां पर डेंस फॉरेस्ट होता है, जहां पर डेंस फॉरेस्ट पाए जाते हैं, जैसे कि टेम्परेट फॉरेस्ट के अंदर और आपका ट्रॉपिकल फॉरेस्ट के अंदर, वहां पर जहां पर डेंस फॉरेस्ट होता है उधर हब्स एंड श्रब्स एंड हब्स, ठीक है। ये कॉट ओवर सैडोट, क्या लिखेंगे, ओवर सैडोट बाई कैनोपी ट्रीज। कैनोपी ट्रीज क्या होती है, जहां पर एक आपका प्लांट है और एक काफी घना जंगल है, फॉरेस्ट है, इसके नीचे जितने भी हब्स ऑफ श्रब्स होंगे, ठीक है, ये बड़े प्लांट्स हैं और इनके नीचे जितने भी आपके छोटे हब्स ऑफ श्रब्स जो ट्रीज आती हैं उनका जो डेवलपमेंट है, यहां तक जो सनलाइट है वो सनलाइट किसके ऊपर आती है, कैनोपी ट्री उसको रोक लेते हैं, और हब्स ऑफ श्रब्स जितने भी आपके प्लांट्स होते हैं, ठीक है, वहां तक ये लाइट नहीं पहुंच पाती, ठीक है। इस वजह से ओवर शैडोड बाय कैनोपी ट्री, इस वजह से क्या होता है, लाइट इंटेंसिटी कितनी होगी, लो होती है, लो लाइट इंटेंसिटी। एनिमल्स के अंदर भी क्या होता है, ये आपके इस तरह की वेरिएशन, जो लाइट की इंटेंसिटी की जो वेरिएशन है वो देखने को पाई जाती है। तो यहां पर जितने भी आपके डाई अर्नल, ठीक है, डाइअर्नल एंड सीजनल वेरिएशन
of light intensity of light intensity and of light intensity and duration. ड्यूरेशन इसको बोलते हैं फोटो पीरियड, फोटो पीरियड. तो ये आपका जो एनिमल्स के डेवलपमेंट के लिए भी, इसके लिए मेटाबॉलिक जो एक्टिविटीज होती हैं उनको इफेक्ट करता है सनलाइट. डायुनल यानी डे का टाइम, इसमें भी काफी वेस्ट होता है. सुबह से शाम तक का जो डे का टाइम है जिसमें लाइट सनलाइट है वो इफेक्ट वेरिएशंस होता है उसके अंदर भी. सीजन वेरिएशंस देखने को मिलेगी. समर के अंदर लाइट इंटेंसिटी ज्यादा होती है जबकि विंटर के अंदर लाइट इंटेंसिटी कम होती है. तो वो भी आपके जो एनिमल्स होते हैं लिविंग एनिमल्स उनको जो लाइट इंटेंसिटी है उसका जो फोटो पीरियड है वो भी उसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को क्या करेगा, इफेक्ट करेगा. और इसके साथ साथ और क्या इफेक्ट करेगा, ये इफेक्ट करता है क्यूज ऑफ टाइमिंग फॉरेजिंग एंड रिप्रोडक्शन रिप्रोडक्शन एज वेल माइग्रेशन एक्टिविटीज माइग्रेशन एक्टिविटीज. तो यहां पर किस किस को इफेक्ट कर रहा है, ये फॉरेजिंग यानी फूड का सर्च, जो भी एनिमल्स होते हैं फूड को सर्च करना, फूड को ईट करना, उसके भी जो एक्टिविटी है उसको इफेक्ट करेगा. साथ ही साथ रिप्रोडक्शन और एज वेल एज माइग्रेशन, जो माइग्रेशन करेंगे एनिमल्स उनकी एक्टिविटीज को भी क्या करता है, इफेक्ट करता है सनलाइट. ठीक है. तो ये क्वालिटी ऑफ लाइट, तो क्वालिटी ऑफ लाइट किस तरह से इफेक्ट करेगी, जल्दी हमको पता है. अल्ट्रा वायलेट जो लाइट है या अल्ट्रा वायलेट लाइट कंपोनेंट, अल्ट्रा वायलेट लाइट कंपोनेंट इज वेरी हार्मफुल, ये काफी घातक होता है. ठीक है. इसके अलावा जितने भी जो भी डीप सी जो होते हैं, जहां पर डीप ओशियंस सी वाटर के लिए, इसके साथ उसकी डेप्थ के साथ वहां पर क्या होगा कि नीचे की तरफ यानी डेप्थ कितनी, जिसको हम डार्क ओशियन बोलते हैं, डार्क ओशियन. यहां पर क्या होता है, जैसे स्लाइड में आपको दिखाई दे रहा है, यहां तक कि जो नीचे की आपकी जो आपकी स्पीसीज हैं या ऑर्गेनिज्म होते हैं वहां तक आपकी लाइट पास आउट नहीं हो पाती, ये लाइट उसको पेंटेड नहीं कर पाती डेप्थ के अंदर. और इसकी जो गहराई होती है ओशियन की वो 500 मीटर से भी ज्यादा होने की वजह से वहां पर पूरी तरह से लाइट का जो स्पेक्ट्रम है वो कंपोनेंट्स लाइट्स का, जैसे हम उसको बोलते हैं वीबग्योर, ये आपने नाम सुना हुआ है. सात तरह के जो लाइट स्पेक्ट्रम होता है ये पूरी तरह से इसको पेंटेड नहीं कर पाता, एब्जॉर्ब नहीं हो पाती लाइट, नीचे के लिविंग ऑर्गेनिज्म तक पहुंच नहीं पाती है. इस वजह से वो सनलाइट का यूज करके फोटोसिंथेसिस कर नहीं सकते प्लांट्स. और वो किसका यूज करते हैं, ओनली प्रिपेयर फूड बाय यूजिंग केमिकल एनर्जी. ठीक है. किसका यूज करते हैं, प्रिपेयर फूड बाय यूजिंग केमिकल एनर्जी का यूज करके वो फूड का प्रिपरेशन करते हैं. और इस तरह की जो प्रोसेस होती है, इस तरह की जो मैकेनिकल फिनोमेनन होती है, इसका नाम क्या दिया जाता है. इसके अलावा जो यदि अब क्योंकि प्लांट से उसका फोटोसिंथेसिस का यूज नहीं कर रहे हैं तो यहां पर कीमोट्रॉपिक होते हैं, कीमोसिंथेसिस का यूज करते हैं, रिप्लेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. इसकी जगह काम करेंगे जो फोटोसिंथेसिस की जगह ये आपकी कीमोसिंथेसिस का यूज करके और फूड का प्रिपरेशन करते हैं. ठीक है. उसके बाद वीबग्योर में हम बात करें तो यहां पर आपका इफेक्ट करता है लाइट जो कंपोनेंट किस तरह से इफेक्ट करेगा. यहां पर ब्लू और ग्रीन जो लाइट होती है, ब्लू ग्रीन लाइट. ठीक है. यहां पर दो तरह के कंपोनेंट्स जनरली आपको इफेक्ट करते हैं, एक तो होती है वेवलेंथ और एक होती है एनर्जी. ठीक है. तो यहां पर जो ब्लू ग्रीन जो आपकी लाइट है कंपोनेंट है, इसमें आपका क्या होता है, हाई एनर्जी होती है, हाई एनर्जी
और लो वेवलेंथ, लो वेवलेंथ। अब यहां पर लो वेवलेंथ होने की वजह से, हाई एनर्जी होने की वजह से, जो 500 मीटर की जो गहराई तक की जो आपका लाइट एब्जॉर्ब किया जाता है, जो जल्दी जो डेप्थ सी के अंदर किस तरह की एनर्जी पाई जाती है, रेड एल्गी पाई जाती है। डेप्थ सी के अंदर किस तरह की एल्गी पाई जाएगी, रेड एल्गी। और इनके पास एक कंपोनेंट होता है, ठीक है, पिगमेंट होता है इस टाइप का, उसको बोलते हैं फाइको इरिथिन। तो यहाँ पर जो ब्लू ग्रीन एल्गी है, वो ब्लू ग्रीन जो आपका लाइट कंपोनेंट है, हाई एनर्जी होने की वजह से ये आपके 500 मीटर तक की गहराई के अंदर ये आपका एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। कौन से पिगमेंट के थ्रू? पिगमेंट का नाम मैं लिख देता हूं, पिगमेंट्स का नाम है फाइको इरिथिन। पिगमेंट कौन सा होगा? फाइको इरिथिन। तो फाइको इरिथिन जो आपका पिगमेंट है, ये आपका पूरा जो हाई एनर्जी है, इसको जो वेवलेंथ इसकी कम होती है, हाई एनर्जी होती है, इसलिए पूरी तरह से इसको क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा ये रेड एल्गी कंप्लीटली। इसको एब्जॉर्ब करने के बाद, ठीक है, फिर क्या करती है, केमोसिंथेसिस की प्रोसेस, क्योंकि यहाँ पर स्पेशल टाइप के केमो ऑटोट्रॉफिक जो आपके बैक्टीरिया वगैरह होते हैं, कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनका यूज करके केमोसिंथेसिस करते हैं फोटोसिंथेसिस की बजाय, और अपना फूड को प्रिपरेशन करते हैं। यहाँ पर जो रेड जो आपकी लाइट कंपोनेंट है, इसकी वेवलेंथ ज्यादा होती है, इस तरह से लाइट को मतलब पूरे डेप्थ के अंदर एब्जॉर्ब नहीं हो पाती, और इसकी लो एनर्जी होती है। ऐसी होगी, लो एनर्जी होती है और हाई वेवलेंथ, हाई वेवलेंथ है, ठीक है। तो ये हमने आज दो तरह के फैक्टर्स, सेवेरिटी फैक्टर्स के बारे में डिस्कस किए हैं। पूरी तरह से जो वीडियो है, ये पूरी स्लाइड्स पूरी तरह से मैंने यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है स्लाइड्स के यूज के बारे में, ठीक है ना। तो आपको ध्यान से वीडियो देखनी है, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें। डू नॉट फॉरगेट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।